So now let's do the mathematics part of this algorithm. To be honest, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा डरावना लग सकता है, बट अगर लास्ट वीडियो सही से फॉलो किया है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला, एंड जो भी लास्ट टाइम यूज किया था वो मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और अलॉन्ग द वे सीखेंगे कि ये नाइव अजम्पशन क्या है, नाइव बेस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वेक्टर, लेट्स से x1, x2, x3, xn. And this target variable c1, c2, c3 up till ck. This is capital K, this is small k. Now, अब ये कुछ बहुत difficult चीज नहीं है. It's a very simple thing. Actually, हम सिर्फ एक general model बना रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा. If you remember last time, हमारे पास columns क्या थे? Toss. So there was toss, there was venue, and there was outlook, right? And there was result. Or last time it was a two class classification, if you remember. Yes, I'm sorry. Won or lost. Basically इसी चीज को यहाँ पे लिखा है. अगर हम इस मॉडल को फॉलो करें तो ये x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये x3 बन जाएगा. सो यहाँ पर सिर्फ तीन चीजें होंगी, ठीक है? और सिमिलरली ये c1 बन जाएगा won एंड c2 बन जाएगा lost यहां पर, ठीक है? सो हमने बस एक जनरल केस लिख दिया कि व्हाट इफ मेरे पास n कॉलम्स है, तो मैं x1 x2 x3 xn बोलूंगा और ये मेरे पास दिस इज अ मल्टी क्लास लेबल या मल्टी क्लास प्रॉब्लम, ठीक है? दिस इज अ बाइनरी प्रॉब्लम, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन. सो देयर इज ओनली c1 एंड c2. यहां पे आई गॉट k क्लासेस, ठीक है? सो देयर आर k क्लासेस, इट्स अ k क्लास क्लासिफिकेशन. सो आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है? सो I'll remove this. Now, you remember this, right? What we have to do is, for every C, C1, C2, C3, I have to find out this probability of CK, मतलब यहां पे won हो सकता था, lost हो सकता था, मैंने जनरल लिख दिया K, given X. ये क्यों निकालना है मुझे? मुझे हर कॉलम के लिए एक वैल्यू मिलेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के गिवन एक्स, यही मुझे निकालना है, ठीक है? अब अगर ये टू क्लास क्लासिफिकेशन होगा तो ये काम मैं दो बार करूंगा, एक बार मैं लिखूंगा c1 और एक बार मैं लिखूंगा c2, ठीक है? थ्री क्लास क्लासिफिकेशन के लिए एक बार, जो भी सबसे ज्यादा होगा उसी को मैं यूज कर लूंगा, उसी को मैं मान लूंगा, ठीक है? सो इस पॉइंट पे आई एम जस्ट राइटिंग इट दिस वे. सो मुझे ये पता करना है, ठीक है? एंड नाउ अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम we already know this, that this would become x given ck multiplied by probability of ck divided by probability of x, right? और ये डिस्कशन हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जब हम सभी के लिए निकालेंगे तो ये वाला टर्म, दिस टर्म इज गोइंग टू बी कॉमन एवरीवेयर. सो इसका एंड रिजल्ट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. सो वॉट वी विल डू इज We'll remove this. So we are left with this term. Okay? So हमारे पास ये बचा हुआ. Now, if you remember conditional probability, according to conditional probability, ये क्या होता था? ये हमने देखा था first video में. Right? So अगर मैं इस टर्म को यहां ले जाऊं, probability of A given B multiplied by probability of B, this will be probability of A intersection B, right? ये हमने देखा है. So what we will do is, we'll use this logic over here. So हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं. I will write probability of CK happening given X will actually be equal to probability of X intersection CK. This is basic conditional probability. ठीक है? So I guess ये वाला बात समझ में आ रहा है. अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होता है, ठीक है? You already know this, कि you can replace this with a comma, right? So हम क्या कर रहे हैं, instead of writing this, we are writing this x comma CK.
यहां तक आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ इक्वल टू नो टू थिंक आई कैन ब्रेक डाउन एक्स इंटू एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स एन कॉमा सी के, आई गेस ये समझ में आ रहा है। अब खुद सोचो ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा एक्चुअली सेम ही मीन है, मीन कर रहा है। सो एक्चुअली मैं एक्स को ऐसे भी लिख सकता था, एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इंटरसेक्शन एक्स थ्री इंटरसेक्शन एक्स एन, ये दोनों बात सेम ही तो है। खुद सोचो ना, एक्स तभी तो बन रहा है जब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। लास्ट टाइम की तरह जब टॉस जीता भी है, मुंबई भी है और सनी भी है, तो डोंट यू थिंक हम इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब खुद सोच के देखो, अब एक काम करते हैं, वी आर टेकिंग अ स्मॉल अजम्पशन, व्हाट वी आर डूइंग इज हम इस टर्म को एक्स वन को ए मान रहे हैं और इस पूरे टर्म को बी मान रहे हैं, ठीक है। सो इन अ वे इन दोनों के बीच में क्या है दिस, अब अगेन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी नो दिस, दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ दिस, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे फिर से और हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सो दिस इज ए एक्स वन गिवन एक्स टू कॉमा एक्स थ्री एक्स एन कॉमा सी के, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया, ये जो चीज है ये वाला टर्म है, आइए समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ ये वाला टर्म क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बिकम दिस एक्स टू कॉमा एक्स थ्री डॉट 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 कॉमा एक्स एन कॉमा सी के, आई गेस इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, इस टर्म को फिलहाल के लिए कुछ मान लेते हैं, लेट्स से इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ा हो गया, लेट्स कॉल इट ए, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के गिवन एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन कॉमा सी के, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है, अब खुद सोचो इस टर्म को पकड़ो, ये जो टर्म है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन सॉरी नॉट वन टू से स्टार्ट हो रहा है एक्स थ्री एक्स एन कॉमा सी के, डोंट यू थिंक यहां पे भी मैं सेम अजम्पशन अप्लाई कर सकता हूं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अज्यूम दिस थिंग टू बी इक्वल टू ए एंड दिस एंटायर थिंग टू बी इक्वल टू बी, और यहां पर अगर मैं फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करूं तो आई कैन राइट दिस अगेन एज, सो मैं इक्वल टू से कंटिन्यू कर रहा हूं, सो आई राइट इक्वल टू ए विच इज दिस बिग टर्म मल्टीप्लाइड बाय आई विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू गिवेन एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर एक्स एन कॉमा सी के, और यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ना बी, सो वी विल राइट x3, x4, xn, comma, ck, राइट। अब डोंट यू थिंक इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स कॉल इट b, तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा a b probability of x3, x4, xn, comma, ck। आई गेस तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर अगले टर्म को ब्रेक करके जा रहा हूं, ठीक है। और बाय द वे इस पूरी चीज को हम बोलते हैं चेन रूल फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक टर्म है मैथमेटिकल, टू बी ऑनेस्ट मशीन लर्निंग में उतना काम नहीं आ रहा है टर्म, बस ये जो चीज कर रहे हैं समझ में आना चाहिए। सो दिस इज नोन एज चेन रूल फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं बार बार ब्रेक करता जा रहा हूं, ठीक है। सो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ टाइम जब इवेंचुअली ये बचेगा, सोच के देखना क्या बचेगा, सो देर विल बी दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, फिर ऐसे एक्स थ्री के लिए आ जाएगा, एक्स फोर के लिए आ जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट में एक टर्म बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन गिवन सी के, और तब बी क्या है सी के, सो लास्ट में क्या बचेगा सी के, आइए समझ में आ रहा है।
खत्म होते जा रहे हैं ये, एक्स थ्री खत्म हो गया, फिर एक्स फोर खत्म हो गया, फिर एक्स फाइव, एंड में क्या बचेगा, एक्स एन और सी के, तो ए बन जाएगा एक्स एन, बी बन जाएगा सी के, मैंने वही लिखा है, दिस विल बिकम, दिस इज, दिस विल बिकम द लास्ट ए एंड दिस विल बिकम द लास्ट बी, ठीक है। सो मैंने फिर से लास्ट में कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगा दिया, ठीक है। सो एंड में मेरे पास बच क्या रहा है, मैं एक बार पूरा लिखने का ट्राई करता हूं, स्पेस थोड़ा कम है बट आई ट्राई। सो लास्ट में एक्चुअली ये बच रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं। सो दिस एंटायर टर्म विल बी सिंप्लीफाइड एज दिस, पी ऑफ एक्स वन गिवेन एक्स टू कॉमा एक्स थ्री एक्स एन कॉमा सी के मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स टू गिवेन एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन सी के मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव सी के, और सबसे लास्ट में क्या बचेगा, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, पी ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन कॉमा सी के, ये सेकेंड लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन गिवन सी के, और लास्ट में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। सो दिस विल बी द एंटायर टर्म, ठीक है। सो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है मैथमेटिक्स, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है, इफ यू जस्ट फोकस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ कम्स दिस पार्ट जहां पे हम एक नाइव अजम्पशन लेंगे, ठीक है। सो नाइव का मतलब होता है एक सिंपल अजम्पशन, ना समझ, ठीक है। सो यहां पर अजम्पशन क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ये टर्म तक सब ठीक है, इनफैक्ट ये लास्ट के दो टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाकी के टर्म्स के ऊपर एक अजम्पशन लेंगे, ठीक है। सो द अजम्पशन वुड बी दिस, कि इस टर्म का बात करते हैं, सो इसको थोड़ा रीड करने का ट्राई करते हैं। सो दिस टर्म इज लाइक दिस, इमेजिन करो कि ये पूरा इतना नहीं होता, सिर्फ एक्स थ्री तक होता, सिर्फ एक्स थ्री तक होता, लेट्स से, मतलब इसके बाद सीधे कॉमा लगा के एक्स थ्री होता, और हम अपना सेम प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं लास्ट वाला, टॉस हार गया है, मुंबई है और सनी है, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे एक्चुअली, हम पता करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस बीइंग लॉस्ट गिवन वेन्यू इज मुंबई, आउटलुक इज सनी और मैच जीता गया, यही तो हम पता कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी ये पूरा नहीं होता, सिर्फ एक्स फोर एक्स थ्री और सी के होता, तो हम एक्चुअली पता कर रहे होते प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई गिवेन आउटलुक इज सनी और चेन्नई मैच जीता है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, हमने लास्ट टाइम यही दोनों किस किया था कि इस तरह की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम आएंगी या बहुत बार जीरो भी आ सकती है, क्योंकि ये होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी टेक एन अजम्पशन, ठीक है, एंड दैट अजम्पशन इज दिस कि ये एक्स वन ये एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक डिपेंड ही नहीं करता, ये एक्स वन सिर्फ डिपेंड कर रहा है सी के ऊपर। सिमिलरली यहां पर x2 will not depend on x3, x4, xn. It will depend only on ck. This n minus 1 will not depend on xn. It will only depend on ck. This is the assumption. ठीक है? और इसको हम बोलते हैं, ये जो assumption है, इसको हम बोलते हैं, we call this assumption, if I remember it correctly, it's called conditional independence. So I guess हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े थे, सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ यू रिमेंबर ये होता है, अगर ये कंडीशन है पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, देन दीज इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर मेरे पास ये टर्म है, दिस इज कॉमा विच मीन्स इंटरसेक्शन, ए होने का प्रोबेबिलिटी गिवन बी और सी दोनों हुए हैं, यहां पर हम कंडीशनली मान सकते हैं कि ए बी से इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, पी ए सी, और ये हमने यहां पे किया है। सोचिए देखो, इन सारे टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया, बस क्या बचाते रखा, ये सी के, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस एंटायर इक्वेशन एंड विल राइट दिस, ध्यान से देखना, सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम दिस, probability of x1 given ck, probability of x2
given CK, probability of X3 given CK dot dot dot, probability of XM given CK multiplied by probability of CK. And if you remember, हमने last video में भी यही किया था. हमने निकाला था probability of toss given won, probability of venue given won, probability of outlook given won. ठीक है, और multiply कर दिया था probability of winning से. ठीक है, so ये मेरा final formula बना. ठीक है, और इसमें हम बस इसको simplify करने के लिए mathematically we can write this down as. So हम निकालने क्या रहे थे? ये निकाल रहे थे, right? ये निकाल रहे थे. So we'll write it like this: probability of CK given a particular X is equal to probability of CK product of I is equal to 1 से N तक probability of X of I CK. ठीक है, समेशन नहीं यूज कर रहे, प्रोडक्ट यूज कर रहे, बिकॉज इन सारे टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. अब बस एक लास्ट चीज बच गई, और वो ये है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग कैसे होगा. बाय द वे, आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर सो दैट क्लैरिफाई हो जाए. सो या, this is the final formula that we have established or derived. I'll write it down again. So this is the final formula: probability of CK given X is equal to probability of CK product I 1 to N probability of X of I given CK, right? What I wanted to tell you is, ये actually ये होगा, क्योंकि if you remember हमने denominator को consider नहीं किया था. So अगर तुमको equal to लिखना है तो ये actually 1 by z मान लो. मैं बिल्कुल विकीपीडिया का आर्टिकल फॉलो कर रहा हूँ, जहां पे z का वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x. इसको हमने इग्नोर कर दिया था बिकॉज ये सारे क्लासेस में सेम आने वाला था. ठीक है, अब बस एक लास्ट चीज. सो फाइनल कैलकुलेशन कैसे होता है? हम विनिंग के लिए निकालेंगे, हम लूजिंग के लिए निकालेंगे, हम ड्रॉ के लिए निकालेंगे. सो ये काम बार बार करेंगे, और जिसका भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा हम उसी को मान लेते हैं. ठीक है, सो उसको अगर तुमको लिखना है कि फाइनल वाई कैसे कैलकुलेट होता है, यू एक्चुअली यूज आर्क मैक्स फॉर के इन द रेंज ऑफ 1, 2, k एंड इट इज पी ऑफ सी के product of I is equal to 1 to N or probability of X of I C of K. अब यहां से ये मैंने क्या बनाया, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि मैं हर क्लास के लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास K के लिए हर बार ये चीज कैलकुलेट करूंगा, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा Y बन जाएगा. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम अ पोस्टीरियरी रूल, या मैप भी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम अ पोस्टीरियरी रूल. ठीक है, सो बेसिकली सारे क्लासेस के लिए मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली, और जिसका भी मैक्सिमम है वही मेरा एंड में क्लास लेबल बन गया. ठीक है, सो आई होप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पार्ट समझ में आया. अगर समझ में नहीं आया तो आई वुड रिकमेंड एक बार ये वीडियो फिर से देखो, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो श्योरली देखने के बाद ये वीडियो देखो. ठीक है, फॉर श्योर समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.